जरा मैं भी तो देखूं कि इतनी मेहनत से कौन सा काम कर रहे हो। जिसके पास दिमाग हो वो बिना मेहनत किए काम कर सकता है। मैं बिजनेस करूंगा, बस मैंने सोच लिया है। बिजनेस करेगा? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मरीन ड्राइव में तेरे विंड मिल प्रोजेक्ट के लिए मैंने पीएफ से 1,00,000 रुपए लेकर तुझे लोन दिया था, उसका क्या हुआ? डैडी सिर्फ 1,00,000 ही तो डूबा है ना। क्या बोला? अगर वो टेंडर मुझे मिला होता तो 1 करोड़ मिलता मुझे। ऐसे और उसके लिए जाता? नसीब होना चाहिए नसीब। मुझे एक ऑफिस चाहिए, फुल्ली एसी, 3 से 4 कंप्यूटर्स होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी का फर्नीचर भी होना चाहिए और स्टाफ भी। ये सब होने से ऑफिस का एक रिच लुक होगा। ऐसे बिजनेस होगा तो बस पेपर देखकर सिर्फ साइन करना काफी है। देखना मैं खूब कमाऊंगा। अब कौन से बिजनेस के ख्वाब देख रहा है? वो तो आप बताएंगे ना डैडी। रिटायर होने से पहले प्लीज मेरे बिजनेस के बारे में सोचिएगा। अरे ये मोबाइल मुझे दे। अरे डैडी क्या किया आपने? अरे इडियट, इतने सालों से मेरा खून पी रहा है, तेरा पेट नहीं भरा अभी तक? तेरे जैसे नालायक को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक ही नहीं है। अरे जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर। जा निकल, जा निकल मेरे घर से। अभी निकल, चल चल निकल। मैं तुझे 1 मिनट के लिए घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, खबरदार। डैडी 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 दरवाजा खोलिए प्लीज डैड। आज तक मेरे डैड मुझसे इतने नाराज नहीं हुए थे और न ही उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की थी। ये ले और निकल यहाँ से, अब मैं तेरी सूरत भी नहीं देखूंगा, चल जा। लेकिन डैडी आपने मुझे यूजलेस वेलो कहा, ये भी कहा कहीं भी जाकर मर। अब देखिए मैं क्या करता हूं। हेलो रिसेप्शन, सामने वाले हॉस्पिटल का नंबर लगाएंगे। हेलो ये हॉस्पिटल है? आपके हॉस्पिटल में कैजुअलिटी है ना? एम्बुलेंस है, ड्राइवर भी होगा। ज्यादा मिला दिया, इतना नहीं होना चाहिए। निकल निकल। सर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताना। फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ चकना वकना चाहिए क्या? बोला ना कुछ नहीं चाहिए। ओ ठीक है सर, ठीक है। ये आदमी तो बड़ा कंजूस है। अरे सुनो। हाँ एक मिनट इधर आओ। हाँ कहिए सर। नीचे पब्लिक है ना? क्या हुआ सर? मतलब अचानक किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो। किसे ले जाना है सर? कुछ ऐसे ही बस। ये आदमी कंजूस के साथ साथ पागल भी है। सर एक मिनट आया। आपसे मिलने कोई आदमी आया सर? सर आप इसी सर को मिलने आए हैं ना? हाँ सर, मैं इसी को ढूंढ रहा था सर। ठीक है आप सर। जाओ। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? तुम अकेले हो ना? वो तो नहीं है ना यहाँ? अच्छा अच्छा, छुपा के रखा है। तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी देखकर मुझे डाउट हुआ कि होटल में रूम लेने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। नहीं मैं तो यूं ही। समझ गया समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। वो मैं करोड़पति बनने की खुशी में ऐश करना चाहता था ना, वो भी अकेला।
मुझे भूल गए ना, क्या सोचा था कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। और तुमने रोज को थैंक्स भी नहीं बोला, ये कोई बात होती है? कैसा दोस्त है, तुम्हारा फोन नहीं लगा तो उसने मुझे 3-4 बार फोन किया। दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, कौन बन गया करोड़पति? इसका मतलब तुझे नहीं पता, हमने विंडमिल का जो टेंडर भरा था ना, तुझे याद है ना हमने भरा था? हाँ। वो टेंडर पास हो गया मेरे भाई। सच कह रहे हो तुम? हाँ यार, मैं कब से ये खुशखबरी सुनाने के लिए तुझे फोन कर रहा था, लेकिन तूने उठाएगा? रोज का रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, समझा, इसलिए तुझे मिला, नहीं तो तेरे जैसे आदमी को खड़ा कौन करता? अब हम करोड़पति बनने वाला है रे, करोड़पति। क्या अबे क्या हुआ? अबे हम नहीं, मैं, तेरा फोन है मुझे। सबसे पहले रोज को फोन करके थैंक्स कहता हूँ। तू भले ही करोड़पति बन जा, लेकिन ये मत बोलना कि मैंने भी तेरा साथ दिया मेहनत में। इस कमरे में बहुत गर्मी है। अच्छा तो ये बात है, ये तो कहता था ये दारू नहीं पीता, लगता देसी ठर्रा उठा लाया है, लेकिन जब फोकट में मिले तो कौन छोड़ेगा। मजा आ गया। थैंक यू सो मच रोज। हाँ मिलते हैं, मैं आता हूँ। अब किस बात की चिंता है, मेरे डैड मुझे निकम्मा ही समझते हैं, अब उन्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अरे क्या हो गया इसे? वो आदमी यहाँ खुदकुशी करने आया था, अब वो हत्यारा हो गया। ओ शिट, उसने मेरे ड्रिंक पी लिया। पुलिस पर हाथ उठाते और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? गुंडों के हाथों एक पुलिस वाला मारा गया, उससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम जैसे लोगों को तो 20 चौराहे पर मारना। अच्छा भूल गया, क्या था वो? एक मिनट रुक जाओ। यस कम इन। छे ये लोग भी कभी भी आ जाते हैं। सर तुम्हें बताया था ना कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सर ग्लूकोज, मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए। ग्लूकोज सर, ग्लूकोज नहीं, अपने डिपार्टमेंट के एसआई लुकास आए हैं। अच्छा उस लड़के का पिताजी? वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहता है मुझसे? एक होटल के रूम में अपने दोस्तों को बुलाकर उनके ड्रिंक्स में जहर मिलाकर मारने की कोशिश करने वाले लड़के के बाप से मैं क्या बात करूं, तुम ही बताओ। आखिर वो चाहता क्या है, किसी और को गुनहगार बनाकर मैं उसके लड़के को बचा लूं? बताओ मुझे, अब चुप क्यों हो? हम कानून के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। सर मिस्टर लुकास कब से बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सॉरी अन्याय के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मेरे सामने कौन खड़ा है मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ओके लुकास सर, जरा सावधान रहना, एसीपी थोड़ा टेंशन में है। यहाँ का इंचार्ज बनकर मुझे सिर्फ 23 दिन हुए हैं, और चार्ज लेने के बाद से सिटी में कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है अखबार पढ़ने वाला हर एक छोटा बच्चा जानता है। शायद तुम अखबार नहीं पढ़ते।